जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिन लोग का 6 अगस्त को पेपर है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे काम करना है, जो सेंटर पे आप लोग को पहुँचना है, वो टाइमिंग से ही पहुँचना है। टाइमिंग का आप लोग बता दो, जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है 5:30 बजे की है, तो उसमें आप लोग कैसे जाएँगे। आप लोग अगर 5:30 बजे हैं तो अगर 5:30 बजे नहीं पहुँच पाते हैं, एंट्री चलती है लगभग वही 8 बजे तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप पहुंचने की वहाँ कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद आप लोग को एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे CISF में ये सब है रूल कि आप लोग को अगर वहाँ पहुंच जा रहे हैं तो बंदे को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। और बस आप लोग कोई गलती ना करें, और आप लोग कोई अगर गलती करते हैं तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और बाहर से ही पूरे डॉक्यूमेंट में आप लोग फ़ोटो वगैरह जो भी आप लोग का एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो ले जाएं, बस उसमें साइन ना करिएगा, साइन उनके सामने ही करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो OMR सीट जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण होती है OMR सीट, ठीक है। OMR सीट जो आप लोग को वहाँ फिल करने की दी जाएगी, आप लोग उसको सावधानी से फिल करें, गलतियाँ ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लें वहाँ पर सेंटर पर, ठीक है। तो जैसे आपने अपना नाम लिखा, तो नाम में अगर जैसे लिखना है आपको अमित कुमार, तो अमित लिखना है, अमित के बाद एक गोला का स्पेस छोड़ना है, फिर कुमार लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग को जो OMR में कॉलम होते हैं कॉलम के हिसाब से भरना है, और नाम के नीचे ही आप लोग को गोला फिल करना है, ठीक है। वो सावधानी पूर्वक भरें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वहाँ पूछ लें, लेकिन गलती ना करें। और दूसरी बात ये रही कि आप लोग जो OMR सीट मिलती है उसको सही से भरें, और उसके ऊपर आप लोग कोई भी रफ वर्क ना करें, मतलब आप लोग कोई फॉर्म वगैरह रख के उस पर ना भरें, क्योंकि वहाँ पे नीचे कार्बन कॉपी होती है तो उसमें छप जाता है, तो उसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग ये सब बातें ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से पेपर करें, पेपर बहुत नॉर्मल आ रहा है, पेपर को आराम से करें। टाइम 2 घंटे का बहुत होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोग को हिंदी और इंग्लिश जो है 2 पार्ट में बटे होते हैं। आप अगर इंग्लिश करना चाहते हैं तो OMR सीट पर इंग्लिश भर दें, ठीक है। हिंदी भरना चाहते हैं तो हिंदी भरें, ये चीज़ आप लोग ध्यान से करें। कि ये लोग मान लीजिए आप लोग को हिंदी आती है तो आप लोग इंग्लिश पर अगर क्लिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या जिनको इंग्लिश करना है हिंदी पर क्लिक करके गोला कर देंगे तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो संशोधन नहीं होता है OMR सीट पर, ठीक है। तो वो आप लोग को ध्यान से भरना है। और दूसरी बात, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और सही सही अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ अच्छी बन रही है, और मतलब अच्छे बच्चे जो हैं वो लगभग 80 के पास जो है आसपास नंबर ला रहे हैं, इससे कम नहीं ला रहे हैं, ठीक है। जिनका कम है उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग को क्या करना है आगे, और टाइपिंग के लिए कैसे आप लोग को जो है कितने समय में आप लोग को टाइपिंग कैसे करना है, और कितने समय में करना है, और किस फॉन्ट पे करना है, सारी डिटेल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से पेपर देके आइए और अच्छे से पेपर दीजिए, और भी कोई जानकारी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और कल का पेपर का एनालिसिस मैं आप लोग को ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कैसा आया है, कट ऑफ बच्चों की कितनी बननी, तो सारी जो नेक्स्ट जो 6 अगस्त वाला पेपर है, ठीक है, वो मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कैसा पेपर रहा आज का, ठीक है। सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग को अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। और भी कोई जानकारी कमेंट हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई भी जानकारी आप लोग को लेना है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोग को बता दी कि जिन लोग का कल पेपर है वो सावधानी बरतें, अच्छे से OMR सीट भरें, क्योंकि गलत ना करिए, और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि आप लोग पता लगे OMR सीट गलत कर दिए तो आप लोग की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और टाइमली पहुँचे, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट 12:30 बजे की जो है होती है, जो आप लोग 12:30 से 1 बजे के बीच में पहुँच जाएँ। लेट इसलिए कह रहा हूँ कि ना करिए, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हड़बड़ी में आप लोग जाएंगे तो पेपर भी उसमें गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि थोड़ी प्रक्रिया लगती है इसमें जांच में, और उसके बाद कॉलम जो उसमें भरवाए जाते हैं, फॉर्म पे भरवाए जाते हैं, तो उसको आप शांति से गर्मी का मौसम है पहले पहुँच जाएँ, और आराम से जो है दिमाग ठंडा करके मुँह धुल के तब जाके आप लोग पेपर दें, ठीक है। बाकी कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।